क्या आप भी उन्हीं महिलाओं में से हैं जो अपने छोटे स्तनों की वजह से बहुत परेशान हैं और ये बात किसी से खुलकर कह नहीं पा रही हैं? तो आप चिंता मत करिए, अब आपको ये चीज किसी से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आप उसका उपचार भी कर लेंगे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं खास महिलाओं के लिए लाई हूँ एक ऐसा बेहतरीन उपाय जो उनके स्तनों के साइज को मात्र 7 दिनों के अंदर बड़ा कर देगा। लेकिन ये नुस्खा बनेगा कैसे, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इसी के साथ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी नई वीडियोस की अपडेट समय पर मिलती रहे। देखिए, दरअसल होता क्या है, स्तन एक ऐसी चीज होती है जो बहुत ही ज्यादा कोमल और आकर्षक अंग होता है, जिसके बारे में अगर परेशानी हो तो महिलाएं किसी से कह भी नहीं पाती हैं। और एक स्टडी में खुद ये बात साबित हुई है कि 10 में से हर 4 महिला को अपने स्तन से जुड़ी हुई कोई ना कोई समस्या जरूर है। और उन्हीं महिलाओं के लिए आज मैं ये खास नुस्खा लेकर आई हूँ जो उनकी स्तन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं को एक ही बार में खत्म कर देगा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। मेरे इस बेहतरीन नुस्खे को बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपको अपने घर में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें से जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो है सेसमे सीड्स। सेसमे सीड्स भी आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएंगे, और अगर आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसे पास के किसी भी जनरल स्टोर से ले सकती हैं। दूसरी जो चीज हमें चाहिए वो है ऑर्गेनिक ऑयल। मैंने यहाँ पर ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी ऑर्गेनिक ऑयल यूज कर सकती हैं, आप चाहे तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकती हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं उपाय की ओर। सबसे पहले तो आपको इस तरह से एक पैन लेना है और इस पैन में आपको वो ऑयल डालना है जो आपने लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है और ऑलिव ऑयल की मैं सिर्फ 2 चम्मच डालूंगी। यहाँ पर मैं एक बार का नुस्खा बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 चम्मच डाला है। आप इसे स्टोर कर भी रख सकते हैं, तो उस क्वांटिटी के हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें 1/2 चम्मच सेसमे सीड्स डालनी है। अब आपको बिल्कुल सिम फ्लेम पे इन सेसमे सीड्स को इस ऑयल में अच्छे से पकाना है। अब जैसे ही आपके सेसमे सीड्स इस तरह से ब्राउन हो जाएं, आप गैस को ऑफ कर दें। मैंने गैस को पहले ही ऑफ कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे ठंडा होने के बाद या फिर हल्का सा गुनगुना होने के बाद किसी बोल में या फिर किसी भी कंटेनर में छान लेना है जिसमें आप इस तेल को स्टोर करना चाहती हैं। अब ये तेल तैयार हो चुका है और मैंने इस तरह से इसे छान लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे इस्तेमाल कैसे करना है। आपको इसे इस्तेमाल करने के लिए क्या करना है, जब ये ठंडा हो जाए तो आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी इस तरह से लेनी है और अपने ऑर्गन पर सर्कुलर मोशन में इस तरह से मसाज करनी है। और इससे आपको तब तक मसाज करनी है जब तक कि ये ऑयल अच्छे से आपके स्किन में अब्सॉर्ब नहीं हो जाता है। और जैसे ही ये तेल अब्सॉर्ब हो जाए आपको मसाज करना बंद कर देना है। और इसको लगाने का जो आइडियल टाइम है वो है रात को सोने से पहले, क्योंकि क्या होता है, रात को सोने से पहले जब ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा तो आपके जो स्तन है वो और भी अच्छे से इंक्रीज होंगे और उसका जो साइज है वो भी सही रहेगा। इस तेल की मदद से आप कई तरह के स्तन से जुड़ी समस्याओं को खत्म कर सकती हैं, जैसे कि सबसे पहला तो ये है कि आप अपने साइज को बढ़ा सकती हैं। इससे आप कम से कम नहीं तो 2 कप साइज इंक्रीज कर सकती हैं बहुत आसानी से। और दूसरी चीज ये है कि जिन महिलाओं में ढीलापन आ जाता है उसे भी ये पूरी तरह से खत्म कर देगा। जैसे ही ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा वैसे ही ढीलापन भी खत्म होता चला जाएगा और आपके स्तन उभरे हुए और टाइट हो जाएंगे। इसी के साथ साथ ये उस स्टेट में भी काम आता है जब जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद जो ढीलापन आता है उसमें भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसमें भी आपकी मदद करेगा और आपके स्तनों को एकदम सही कर देगा, साथ ही ये आपके स्तनों को गोल आकार देगा। ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, सिर्फ बड़े आकार होने से कुछ नहीं होता, आकार गोल होगा तो आप और भी ज्यादा आकर्षक लगेंगी। ये आपके स्तनों को गोल, सुडोल और उभरा हुआ बनाने में मदद करता है। ऐसे और नुस्खों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अगर आपको और भी कोई समस्या है तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।